हेलो दोस्तों, वेलकम टू indianshirttips.com। और इस समय हम कनाडा के अंदर हैं और एक बहुत ही बड़ी फायर अभी रिसेंटली कनाडा में लगी, जंगल फायर, जो कि जैस्पर नाम की जगह है जहां पर देखा गया कि आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और आग की लपटें अप्रोक्सीमेटली 300 फीट ऊंची थी और उसके सिंडर्स जाकर के लोगों के घरों पे भी गिरे और अराउंड 30-40% वहां के घर वाइप आउट हो गए। और इवन पानी डालकर के जहां पर आग बुझाने की कोशिश की तो उस पानी से भी उन घरों का काफी नुकसान हुआ, क्योंकि यहां पर ज्यादातर घर गत्ते और लकड़ी के बने होते हैं। अब सोचने वाली ये बात है कि इतनी बड़ी आग कनाडा के जंगलों में या यूएसए के जंगलों में कैसे लग जाती है और ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते डिस्पाइट सेफ लेन्स बने होने के कारण। तो हुआ क्या, अराउंड आज से 7-8 साल पहले पाइन ट्रीज के अंदर एक डिजीज लगी जिसके अंदर बीटल्स ने जाकर के अंडे देने शुरू किए और उन्होंने उसके अंदर के सारे का सारा पेड़ को खोखला कर दिया, जिसके कारण वो ट्रीज पिछले कई सालों में डेड ट्री हो गए। डेड ट्री होने के कारण जैसे ही कहीं से आसमानी बिजली गिरती है या कोई नेग्लिजेंस के कारण ये सूखे ट्रीज के अंदर आग बहुत ही तेजी से फैल जाती है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो यही कारण है कि जब कोई भी आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि कनाडा या यूएसए इतना बड़ा है, इतने सारा फॉरेस्ट है कि उसको आप कहें कि हवाई जहाज से ऊपर छिड़काव करके आग को रोका जा सके तो वो भी नहीं है। ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में ही अप्रोक्सीमेटली कहते हैं उनके जंगलों में 300 से ज्यादा आग इस समय चल रही हैं जो कि अनकंट्रोल्ड हैं और अपने आप भगवान की मर्जी से जब बारिश वहां आगे झुकेगी। तो यहां पर देखने वाली ये बात है कि जो ये बीटल्स ने पाइन ट्रीज का नुकसान किया है, इवन गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है, अगर आपके घर के पास कोई पाइन ट्री है और उसमें ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो ग्रांट प्रोवाइड करती है कि प्लीज टेक केयर ताकि ये डिजीज और स्प्रेड ना। 10,000 से 20,000 कैपिटल का लगा करके आप रोजाना 1 घंटे के अंदर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारा एम है कम ट्रेड करें और अच्छा मुनाफा घर लेकर के जाएं। थैंक यू।